जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसने पूरी सृष्टि को एकता के सूत्र में बांधा है। आज हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि को, इस दुनिया को कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सुप्रीम पावर चलाती है, जिसने सब कुछ रोक के रख दिया है। आज 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने जनता कर्फ्यू में एकता का परिचय दिया है और फिर 5 बजे राष्ट्र रक्षकों के लिए थाली, ढोलक, मंजीरे व शंखनाद करते हुए उन सब का धन्यवाद किया है, तो मैं सभी भारतवासियों का आह्वान करती हूँ कि वो आने वाले समय में और भी सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक एक वाक्य को वो समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। तो मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसने पूरी सृष्टि को एकता के सूत्र में बांधा है। आज हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि को, इस दुनिया को कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सुप्रीम पावर चलाती है, जिसने सब कुछ रोक के रख दिया है। आज 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता ने जनता कर्फ्यू में एकता का परिचय दिया है और फिर 5 बजे राष्ट्र रक्षकों के लिए थाली, ढोलक, मंजीरे व शंखनाद करते हुए उन सब का धन्यवाद किया है, तो मैं सभी भारतवासियों का आह्वान करती हूँ कि वो आने वाले समय में और भी सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक एक वाक्य को वो समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। तो मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद।